हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत नील और अजित कुमार की फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खबरों की माने तो अजित कुमार की ये फिल्म लगभग कन्फर्म हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। ये अजित कुमार की 64वीं फिल्म होगी जिसे काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। अभय अजित कुमार दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, जहां विदा मुयार्ची को मागेश त्रिमेनी डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं गुड बेड अगली को अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट कर रहे हैं। विदा मुयार्ची अजित कुमार की 62वीं फिल्म होगी और गुड बेड अगली 63वीं फिल्म होगी। अगर अजित कुमार और डायरेक्टर प्रशांत नील की ये खबर सच होती है तो अजित कुमार इन दोनों फिल्मों के बाद प्रशांत नील के साथ AK-64 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी प्रशांत नील की इस फिल्म में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में प्रशांत नील सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो जूनियन टीआर के साथ ड्रैगन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अजित कुमार तमिल सिनेमा के काफ़ी बड़े एक्टर हैं, लेकिन अभी उन्हें पैन इंडिया लेवल पर नहीं जाना जाता है। तो क्या डायरेक्टर प्रशांत नील अजित कुमार को पैन इंडिया का टैग दिला पाएंगे, ये हमें फिल्म आने के बाद पता चलेगा। तो आप इस जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। पिछले कुछ दिनों से रूमर फैल रहा है कि शायद पुष्पा 2 की शूटिंग अपने तय समय पर कंप्लीट नहीं होगी और ये फिल्म दोबारा से पोस्टपोन्ड होगी। हाँ, लेकिन पुष्पा के प्रोड्यूसर बनी वास ने कहा है कि पुष्पा 2 की शूटिंग काफ़ी जोरों में चल रही है और ये फिल्म अपनी रिलीज डेट यानी कि 6 दिसंबर को ही रिलीज होगी। खबरों की माने तो अभी पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स का एक तगड़ा एक्शन सिक्वेंस शूट किया जा रहा है। तो पुष्पा के मेकर्स की माने तो ये फिल्म 6 दिसंबर को ही रिलीज होगी। पुष्पा 2 को रिलीज होने में अब करीब 4 महीने हैं, तो देखते हैं इसके टीजर ट्रेलर की अपडेट कब तक आती है। गोदाचारी के 6 साल पूरे होने पर गोदाचारी के मेकर्स ने गोदाचारी 2 के 6 नए पिक को रिलीज किया है। ज्यादातर फोटो में आदि विशेष हैं, लेकिन एक फोटो में आप आदि विशेष के साथ इमरान हाशमी को भी देख सकते हैं। गोदाचारी 2 2018 में रिलीज हुई तेलुगु सुपरहिट फिल्म गोदाचारी की सिक्वल होगी, जिसे विनय कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आदि विशेष के साथ इमरान हाशमी और प्रकाश राज अहम भूमिका में नजर आएंगे। गोदाचारी 2 की 40% शूटिंग कंप्लीट हो गई है और बाकी की शूटिंग साल के एंड तक खत्म हो जाएगी। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म 2025 में ही रिलीज होगी। एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि इस साल के तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड में नानी के एक्शन ड्रामा फिल्म दशहरा को टोटल 6 अवार्ड से नवाजा गया है। इसी फिल्म के लिए नानी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, कीर्ति सुरेश को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा इस फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का भी अवार्ड मिला है। तो दशहरा को इस साल फिल्म फेयर अवार्ड में टोटल 6 अवार्ड मिले हैं। वैसे क्या आपने दशहरा फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो नानी की फिल्म आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ट्रैप्ड भावे जोशी सुपर हीरो और AK वर्सेस AK जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है CTRL। अब CTRL का फुल फॉर्म तो नहीं पता है, लेकिन कहा गया है कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी जिसमें अनन्या पांडे और विहान समत लीड रोल में नजर आएंगे। CTRL का एक ग्लिम्स रिलीज किया गया है, जिसे देखकर लग रहा है कि फिल्म की कहानी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अब जब तक टीजर ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक इस फिल्म के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो विक्रमादित्य मोटवानी की डायरेक्शन बनी अनन्या पांडे की ये फिल्म 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हाउस ऑफ द ड्रैगन के साथ अब गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और प्रीक्वल सीरीज आ रही है जिसका नाम है ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स। ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन के 100 साल के बाद के बीच सेट की गई है। यहाँ पर ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है और कहा गया है कि ये सीरीज हमें 2025 में देखने को मिलेगी। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का भी फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें आप सीजन 2 के कुछ खतरनाक सीन को देख सकते हैं। सीजन 2 की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा गया है कि द लास्ट ऑफ अस का दूसरा सीजन भी 2025 में देखने को मिलेगा। ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स और द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के साथ HBO ने इट की प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी का भी फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया है। वेलकम टू डेरी की कहानी इट चैप्टर 1 से पहले की होगी, जिसमें 1960 के दौर की कहानी दिखाई जाएगी। तो वेलकम टू डेरी भी 2025 में देखने को मिलेगी। कमल हसन की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म इंडियन 2 की OTT रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिसे आप 9 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में देख सकते हैं। हिंदी डब को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे।
वैसे क्या आपने इंडियन 2 को थिएटर में देखा था? अगर देखा था तो इंडियन फिल्म के मुकाबले इंडियन 2 आप सबको कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।